इस वक्त हम सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के जानकी मंदिर रोड में हैं और मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरवासी हैं। इनसे जानते हैं कि विधायक और सरकार के पिछले 5 साल में कितने काम हुए हैं, कितने अधूरे रह गए हैं। ये बताइए आप कि जो 5 साल में जो विधायक का कामकाज रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना काम हुआ है शहर के अंदर, कितना बाकी रह गया है? देखिए, सीतामढ़ी के अंदर जो माँ जानकी की जन्मभूमि है, ये कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों के कारण उपेक्षित रही है। आज राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसमें बहुत सारे कारण रहे, लेकिन अब वो अच्छे ढंग से बनने के लिए आगे अग्रसारित है। परंतु आप 2 साल पीछे चले जाइए, नीतीश कुमार जी ने हमारे सीतामढ़ी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा मुहिम शुरू किया, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान नहीं है। आज सीतामढ़ी के सड़कें देख लीजिए, मेन रोड की क्या खस्ता हाल है। और ये सड़कें आपको बताएंगी कि जिस जिले का, जिस जगह का अगर आपका सड़कें अच्छी नहीं होगी तो वहाँ की यातायात और वहाँ कितनी दुर्व्यवस्था होती है। आज जाम सीतामढ़ी का सबसे बड़ा समस्या है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो आज सीतामढ़ी में जो जाम की समस्या है, सड़क की समस्या है, उसके अलावा शहर में आप देख लीजिए नए पोल गाड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन पोल को गाड़ने में कुछ दिक्कतें हैं। कारण ये है कि आप देखिए, रोड के बगल में होना चाहिए, जबकि उसके कारण जो है अतिक्रमण हो रहा है। बहुत सारे पोल अब नए गड़े हैं, पुराने पोल सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है, इससे शहर में जाम को हटाने के लिए ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि के अलावा सीतामढ़ी के प्रशासन भी जिम्मेवार हैं इसके लिए। और माँ सीता की जन्मभूमि को, इसको विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, खास करके हमारे सीतामढ़ी के जो विधायक रहे हैं, उनकी जो है सो कहीं ना कहीं इसमें वो पीछे रह गए हैं। और उनका प्रयास जो दिखना चाहिए ज़मीन पर, वो शायद इन 5 सालों में कहीं नहीं दिखा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो लोग भी इस चुनावी अभियान में लगे हुए हैं, वो सब ज़रूर ये सब कुछ छोटे छोटे विषयों को देखें और ध्यान देकर कम से कम आप जो है सीतामढ़ी के उत्थान के लिए जो आदमी काम करे उसको वोट करिए। और आप सब लोग जो है सो सीतामढ़ी के बारे में सोचे, और जो आदमी सीतामढ़ी के विषयों को रखे और सीतामढ़ी को, माँ जानकी की जन्मस्थली को प्रतिष्ठा दिलाए, उसके लिए जो काम करे उसके साथ हम सब लोग वोट करें। और ये काम आप सब लोग जानते ही हैं कौन कर सकता है। सीतामढ़ी के लिए जो है तो बोलबे किए कि जो विकास होना चाहिए, जो विकास नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था और ये अतिक्रमण की व्यवस्था बहुत है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये जाम जूम लगती हैं, जो दुकानदारों को भी परेशानी होती है, हम लोग को भी परेशानी होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है सीतामढ़ी के लिए। जानकी मंदिर से लेके और मोहन सा के चौक तक देख लीजिए आप, कितने जाम की व्यवस्था है। कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन व्यवस्था नहीं है। यही सब के लिए अगर जो भी आए, वोट तो उसी को करे जो काम करे, अच्छा करे, विकास करे। ये ना कि जाति वाति वाला ये विवाद नहीं होना चाहिए, बस जो काम करे उसको वोट दीजिए, यही। आप बताइएगा, आप सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? सरकार के कामकाज का मतलब ये क्या कि नीतीश कुमार के कामकाज के विषय में पूछना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार और जो बीजेपी गठबंधन में उनके कामकाज, हाँ, इस पूरे कार्यकाल को हम लोग इसी हिसाब से देखते हैं कि इन्होंने जो काम किया है वो काम जो है मत सापेक्ष काम है, जन सापेक्ष काम नहीं है। मत सापेक्ष का अभिप्राय ये हुआ कि ये जो है मत कैसे उनके तरफ आकर्षित हो। बुनियादी जो समस्या है, जो जन समस्या है, और उनके तरफ इन लोगों का कभी भी जो है ध्यान नहीं लगा। जो भी नीतियाँ इन्होंने बनाई वो वोट पॉलिटिक्स के हिसाब से बनाई, आम आदमी का जो मूल समस्या इसके हिसाब से इन्होंने कभी भी जो है नीति का निर्धारण नहीं किया। और ये इस बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी पार्टी हो, आज जो नीतियाँ लेकर के आ रही है, अभी वर्तमान में भी जो चुनाव आपके सामने में जो है जिस परिदृश्य में लड़ा जा रहा है वहाँ भी यही है, सारा का सारा खेल वोट पॉलिटिक्स का है। आम आदमी का जो मूल समस्या है उन पर किसी का भी ध्यान नहीं है, वहाँ पर कोई भी आदमी सेंट्रलाइज नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी जो है आम आदमी भी जिम्मेवार है, वो इन्हीं तरह के वोट पॉलिटिक्स में जो है उलझता है।
अगर उसको जो है कहीं कुछ फ्री का मिल जा रहा है तो वो उसके पीछे जा रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मुफ्त का मिल रहा है तो सरकार कहाँ से देगी, वो आपका ही लेकर के आपको देती है और आपको बेवकूफ़ बनाती है। तो इन चीज़ों को जब तक लोग समझेगा नहीं तब तक ये लोग हम लोग को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे। आप सत्ता का परिवर्तन कीजिए, कुछ भी कीजिए, जब तक आम आदमी अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करेगा, परिवर्तित नहीं करेगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग भुलावा में डालते हैं, छलावा में डालते हैं और आप चले जाते हैं। जब तक आम आदमी अपने लालच को नियंत्रित नहीं करेगा, देखिए कोई भी नेता है वो कहाँ से निकल के जाता है, वो इसी समाज से निकल के जाता है और इस समाज की मानसिकता को बिलोंग करता है, कोई ऊपर से नहीं आता। जो आप जिस मानसिकता में आप जीते हैं ना, उसी मानसिकता से आप किसी को भी देख लीजिए, कोई भी नेता है, सब इसी जनता धरती से निकला हुआ है। और जो मानसिकता हम लोगों की है वही मानसिकता उन लोगों की है। हम लोग छोटे दायरे में छोटा है और वो लोग बड़े दायरे में तो बड़ा है। हमारा छोटा लालच है, उनका बड़ा लालच है। और जो जिसको ठग सकता है वो ठग रहा है। चुनाव के समय में आप ठगते हैं, छोटा छोटा लालच में आप उनको ठगते हैं, और जब बड़ा लालच का बात आता है तो वो आपको ठगते हैं। ये ठगने और ठगाने का सिलसिला है। ये पूरे कामकाज को भी हम इसी संदर्भ में देखते हैं और इसी तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल कुमार हुआ। क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं।